गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जेनेट बैच टू गाइस, वी वर सपोज्ड टू स्टार्ट विद द कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस यस। ओके सो सर, आपका वीडियो पिन कर दो ना। किया मैंने, मेरा वीडियो पिन है, तुम अपना करो। स्पॉटलाइट एक बार ऑन कर दो प्लीज। कोस्ट प्लीज डू इट। As before we start the chapter, just let me know you're finished with binomial theorem. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So just let me know, in binomial theorem, like, how do you define NCR? How do you define NCR? Number of ways to arrange an object. Arrange number of ways. आराम से बोलो ना, क्या टेंशन है? The number of ways to arrange R objects from N. No, no. Number of ways of selecting R. Number of ways of selecting R objects from N distinct objects. हाँ, NCR को तुम लोग इस तरह से डिफाइन करते हो बच्चों, जो तुमने अपने लेक्चर्स में किया है वो NCR को इस तरह से डिफाइन करते हो। पहले तो बच्चों एक बात समझ लो कि इस चैप्टर को तुम्हें जो तुम्हारी बुक्स हैं, मतलब इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, जो तुम्हारी बुक्स हैं उन बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर को एकदम जो क्लास में चल रहा है ना उस सीक्वेंस में पढ़ना है, मतलब उस सीक्वेंस बुक्स से कहीं से किधर से मैच कम करेंगी, धीरे धीरे नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? और दूसरी चीज बच्चों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्लस और माइनस चीज है दोनों, वो ये है कि आपका जो गलत आंसर आ रहा है उसका लॉजिक क्या है, गलत आंसर का भी लॉजिक क्या है, कहाँ गलती हुई है वो पकड़ में आना। बच्चों मेथड चेंज नहीं करना है, मेथड सेम ही रखना है, लेकिन गलत आंसर किस वजह से आ रहा है उसको नोटिस करना है। और तीसरी चीज, अगर कहीं लग रहा है कि बोर्ड पे जो जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट कम रहेंगी चलेगा, लेकिन बोर्ड पे जो जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन तीनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है लेक्चर अटेंड करते टाइम में। कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम में जो पीएनसी तुम लोगों ने थोड़ा बहुत किया होगा, मुझे लगता है फर्स्ट डेफिनेशन तो यही होगा। अच्छा, एक तो देयर आर टू कोहोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आदर्श एंड तपन, राइट? एंड देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी टेकिंग स्क्रीनशॉट, मे नो हु इज दैट, प्लीज रेज योर हैंड। Somebody इसको फिस कर देते हैं। अर्नव, विल यू बी ओके सर? हाँ अर्नव बेटा, तुझे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है? जब भी मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेना है, फिर एंड में पीडीएफ बना करके एक बार डाल देने का है, ओके? सर पीडीएफ नहीं, हम लोग क्या करते हैं सर, स्क्रीनशॉट्स एक साथ डाल देते हैं, मतलब पहले जैसे एक हुआ उसके बाद। नहीं पता क्या है इसमें चक्कर क्या है, जैसे मानो कि मैं नोट्स इधर ही बनाने के लिए तुम लोग को बोल रहा हूँ, है ना? अब मानो किसी बच्चे को नोट्स लिखते टाइम थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जैसे ये बोर्ड कंप्लीट होएगा इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दो। ग्रुप पे अपना ग्रुप है ना, जेनेट टू का ग्रुप बन गया ना? हाँ सर। हाँ तो जेनेट टू वाले ग्रुप पे डाल दो, तो किसी बच्चों का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना वो पेज के लास्ट में जो है थोड़ी जगह छोड़ दो, और जगह छोड़ के फिर आगे निकल जाओ, ओके? और जब लेक्चर एंड होएगा तो जो बच्चे बचा हुआ पोर्शन नहीं लिख पाए हो ना उसको थोड़ा मैनेज कर दो उसी स्क्रीनशॉट से, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द रिकॉर्डिंग। बच्चों रिकॉर्डिंग कब देखनी चाहिए? रिकॉर्डिंग पहली बात तो ये है कि शुरुआत के एक आध दो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि वो आपको टोन सेट होने में लगता है ना बच्चों थोड़ा टाइम, लेकिन उसके बाद रिकॉर्डिंग कम मिलेगी, ये बात ध्यान दो। स्क्रीनशॉट जरूर आएंगे, रिकॉर्डिंग थोड़ी कम मिलेगी। मतलब मैं इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि रिजल्ट अच्छा आने के लिए बच्चे लोग को क्लास में रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग इन द मिडिल देन गोइंग आफ्टर दैट। अटेंडेंस भी आपकी दो या तीन बार बीच में मैं लेता हूँ, उधर से क्लिक होता है कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कौन बच्चा बीच में स्किप मार गया है, उससे वो रीजनिंग्स बाद में। बच्चों इट्स नॉट डिक्टेशन, इट्स समथिंग लाइक यू नो, इट्स नॉट मोरल प्रेशर आल्सो, ओके?
इट्स समथिंग लाइक आई विश कि जो भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं सब बच्चों का ही रिजल्ट अच्छा है. नया चैप्टर है, नए चैप्टर में शुरू से पढ़ेंगे और जीरो से पढ़ेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा 10 बार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, रेगुलर रहने का कोशिश करो. तो अर्णव विल टेक द पिक्चर्स. अर्णव तुम कुछ रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे. आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब यू. नहीं सर ठीक है चलेगा. पीडीएफ भेजना है ना? नहीं पीडीएफ नहीं, बस स्क्रीनशॉट लिया और भेज दो और फिर एंड में उसका पीडीएफ एक पेज में लग लो. लेक्चर वन पीडीएफ आज हो जाएगा उसका. तो जो एनसीआर जो तुम उधर में अब तक पढ़ चुके हो, वो एनसीआर का मीनिंग क्या होता था मैं लिख देता हूँ उसको. नंबर ऑफ वेज selecting are distinct objects from and distinct objects. राइट बच्चों, इसको हम लोग एनसीआर लिखते थे एक्चुअली, ठीक है. इसका मीनिंग एग्जैक्ट वो नहीं है जो लिखा हुआ है. इसको हम लोग को कैसे प्रोसीड करना है ये देखना है. अच्छा मुझे एक छोटा सा एक पॉइंट बताओ. एनसीआर इज इक्वल टू एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन. बच्चों ये फॉर्मूला किया है ना आप लोगों ने? हाँ सर. इसका कॉम्बिनेटरिक्स प्रूफ भी आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसको कैसे प्रूफ करते हैं, आपने किया है कि नहीं किया है? बच्चों आराम से सोच के बताओ. हमने ऐसा टीम लिया था, बाद में उसमें से कैप्टन और ऐसा किया था. हाँ ऐसा कुछ किया, मतलब किया है, मतलब किया है. तुम्हें याद नहीं है लेकिन किया है. एक एग्जाम्पल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ज्यादातर चीजें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही डील करते हैं बच्चों. अब सब लोग ध्यान दो एक चीज को. देखो बच्चों कोई भी चीज ओरिजिन से जब पढ़ते हैं ना तो आप लोग स्ट्रेंथन तब होते हो जब ये डिसाइड कर लो कि इस चैप्टर को मुझे हर हाल में समझना है, वरना वही रूटीन लेक्चर अटेंड करना फिर होमवर्क करना, उससे सबसे काम नहीं चलेगा. सब लोग ध्यान दो. अच्छा इसमें जो फर्स्ट कंटेंट जो हम लोग पढ़ते हैं इट्स समथिंग लाइक यू नो काउंटिंग ये बच्चों ये 7th-8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है एक्चुअली. इसमें तो ये क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐड कर देते हैं ना, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बड़ा बना देते हैं. काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग. अब लोग तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है, मतलब काउंट कर भी रहे हो और बोल रहे हो कि काउंट नहीं भी कर रहे हो. तो बच्चों ध्यान दो, ये तुम्हारा हो गया एक बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट अ पिक्चर हॉल. ये तुम्हारा थिएटर हो गया, ये स्क्रीन है उसका बराबर. और बच्चों ये इसके डोर्स है, हर एक में एक डोर है इधर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोल बेटा. सर कुड यू स्पॉटलाइट योरसेल्फ. अरे यार तुम कर दो ना, कोस्ट को बोला तो है मैंने. सर आप कॉपी करने के लिए टाइम दोगे सर कि हम साथ साथ नोट करें? चलेगा मैं टाइम दे दूंगा, कोई इशू नहीं है. यस साथ साथ भी वैसे करोगे, साथ साथ भी कर सकते हो. स्पॉटलाइट वीडियो का लिखना है कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो? नहीं लिखना है, ये सब थ्योरी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग. स्पॉटलाइट वीडियो का ऑप्शन देखो ना बच्चों किधर है. हाँ डन, थैंक यू बच्चों. ये डोर्स हो गए सिनेमा हॉल के, D1, D2, D3, D4, D5. बच्चों समझते भी जाओ, कॉपी भी करते चले जाओ. टाइम चाहे टाइम नहीं मिले तो बता दो सर कॉपी करना है, रुको अभी, ठीक है. ऐसे अपन लोग ऐसे नहीं है कि सर सामने डिक्टेशन कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं करेंगे तो डांट देंगे, इतना नहीं लग रहा है. कॉपी भी करते चले जाओ, समझते भी जाओ. समझ में नहीं आए तो पूछ लो, कॉपी नहीं हुआ तो बोलो सर 2 मिनट रुको. ओके बच्चों ध्यान दो. यहाँ पे एक बच्चा है,
जिसको इस सिनेमा हॉल में एंटर करना है, राइट, और एंटर करके एग्जिट करना है, एंटर करके एग्जिट करना है। बच्चों तुम लोगों ने देखा है जब सिनेमा हॉल में तुम लोग एंटर करते हो ना, तो जिस डोर से एंटर करते हो, जो लोग ने पिक्चर नहीं देखा है वो अनफॉर्चुनेट मानूंगा मैं उनको, क्योंकि थिएटर तो कोई बच्चा एक बार कम से कम गए होगा मेरे हिसाब से। जिस डोर से तुम एंटर करते हो उससे एग्जिट नहीं होता ना बच्चों, एग्जिट करने के डोर अलग होते हैं। यहाँ पे एंटर करने वाला डोर अलग है, एग्जिट करने वाला डोर अलग है। तो इससे ये बोला गया कि इस 1 2 3 4 5 डोर ऐसे हैं जिनमें से किसी भी डोर से तुम एग्जिट कर सकते हो, लेकिन सॉरी एंटर कर सकते हो लेकिन एग्जिट किसी और डोर से करना पड़ेगा। तो उससे बोला गया कि बताओ ये सब काम तुम कितनी तरह से कर सकते हो, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस। बच्चों ये समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? Yes, sir. तो बच्चों इसको बगैर काउंट की अगर मैं आंसर बोलूं तो मैं बोलूंगा कि मैं एंटर कितने वेज से कर सकता हूं बच्चों? 5 वेज से एंटर कर सकता हूं, राइट। एंड बच्चों एक्शन पे ध्यान दो, एक्शन क्या है? एंटर करना इज वन एक्शन और एग्जिट करना अनदर एक्शन। बताओ ये दोनों एक्शन इनडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? नहीं, ऐसे इनडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं, नहीं इनडिपेंडेंट डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। बताओ ये एक्शन एक एक्शन दूसरे एक्शन को अफेक्ट कर रहा है क्या? मतलब जिस डोर से घुसेगा उससे सिर्फ नहीं निकलेगा, इससे इसके अलावा कुछ अफेक्ट कर रहा है क्या? नो सर। तो बच्चों कुछ इस तरह से समझो कि 5 वेज से वो अंदर जा सकता है और 4 वेज से वो बाहर निकल सकता है, राइट। टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 20। मतलब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड पूरी मैथ्स में ये वर्ड हमेशा मल्टीप्लिकेशन से एफिलेटेड होता है, सीखा होगा तुम लोगों ने पहले। और बच्चों ये जो वर्ड होता है ना, आइदर और, ये हमेशा एडिशन से एफिलेटेड होता है, ये ध्यान रखो। बच्चों ये जो 5 × 4 तुमने लिखा है ना, इसकी कहानी क्या है इसको समझ लो जरा ध्यान से। मतलब मान लो वो D1 डोर से घुसा बच्चों, तो वो जो बाहर निकलेगा उसके तरीके कितने हो जाएंगे? D2, D3, D4 और D5। से यस और नो? यस सर। चार तरीके हो गए बच्चों। अगर वो D2 डोर से घुसेगा बच्चों तब भी चार ही तरीके होंगे, बताओ। यस सर। D1, D3, D3, D4, D5। फिर 4 वेज हो गए। और सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली जब वो D5 डोर से एंटर करेगा, D5 डोर से एंटर करेगा तब भी चार तरह के होंगे ना बच्चों? यस सर। D1, D2, D3, D4। बच्चों ये केसेस हो गए, बताओ ये केसेस हुए कि नहीं हुए? अगर कोई बैठ के उस बंदे को राइट वॉच कर रहा हो और वो सोच रहा हो कि ये करेगा क्या, एक मिनट, ये करेगा क्या, तो तुम लोग बच्चों क्या सोच रहे होंगे? या तो ये D1 से जाएगा और इनमें से किसी एक से निकलेगा, तो चार तरीके हैं इसके पास, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा होगा अगर D2 से घुसेगा तब भी चार ही तरीके होंगे, D2 से तो नहीं निकलेगा ना। तो बच्चों बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 4 + 4 + 4 कितनी बार एड होगा बच्चों? ये 5 बार। बच्चों ये हम लोगों ने काउंटिंग किया है, ये काउंट किया है और ये बिना काउंटिंग के लिखा है, काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। तुम चाहो तो काउंट करके पूरा आंसर विजुअलाइज कर सकते हो, राइट, लेकिन बगैर काउंट किए हुए तुम विजुअलाइज कभी कभी अगर नहीं कर पाओ तभी उसके लिए ये प्रोसेस है बच्चों। आई रिपीट, विजुअलाइज नहीं कर पाओ तभी उसके लिए ये प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये पकड़ में आ जाए कि यहाँ पे एंड आ रहा है, मतलब दोनों काम साइमल्टेनियसली वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं बच्चों, दोनों ही काम कर रहे हैं, राइट, तब मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में से कोई एक काम करना है तब ऐड कर दो, या तो ऐसा काम होगा बच्चों या फिर ऐसा होगा, बताओ सही है कि नहीं है? ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या बच्चों? D1 और D2 से एक साथ एंटर कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकता, राइट। बच्चों इसको इस तरह से समझते हैं, एक तरीका और लेते हैं इसका। और बच्चों ऐसा कुछ हो, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट जो है वो हो कुछ ले लेते हैं 10, और नंबर ऑफ आइसक्रीम पार्लर्स जो है वो ले लेते हैं बच्चों 15, राइट। क्वेश्चन पूछा गया
कि एक बंदे के जेब में थोड़ा मनी कम है तो या तो वो आइसक्रीम खा सकता है या फिर फूड ले सकता है, इधर फूड और आइसक्रीम, आइदर फूड और आइसक्रीम। बताओ बच्चों, बताओ नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? टू। अरे बाबा, आइसक्रीम पार्लर, कितने आइसक्रीम पार्लर्स हैं? 15 डिफरेंट वैरायटीज है, राइट? रेस्टोरेंट कितने? 10 है। तो 10 वेज से वो रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा सकता है ना बच्चों? बताओ, से यस और नो? यस यस सर। 15 वेज से वो आइसक्रीम खा सकता है ना, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिसमें वो डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम या डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाके खा सकता हो? 25 होंगे ना? 25। या तो आइसक्रीम खाएगा या फिर रेस्टोरेंट पे खाना खाएगा, इधर फूड और आइसक्रीम। तो बच्चों नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बताओ? यहाँ पे आइदर आ गया ना, आइदर फूड और आइसक्रीम, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 25। लेकिन बच्चों अगर उसके पास ऑप्शन हो फूड एंड देन आइसक्रीम, बच्चों बताओ, फूड एंड देन आइसक्रीम, बच्चों बताओ, 150 हो गए ना, डायरेक्ट 150 काउंट हो गए ना बच्चों? लेकिन ये 150 काउंटिंग करोगे तो कैसे आएंगे बताओ? वो R1 में गया, फर्स्ट रेस्टोरेंट में गया। अब बताओ उसके पास फर्स्ट रेस्टोरेंट में कुछ भी खाने के बाद में आइसक्रीम पार्लर के लिए निकलेगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस रहेंगी बच्चों? 15 R1 I1 से लेके कहां तक जाएगा बच्चों? R1 I15 तक 15 चॉइस हो गई, बताओ बच्चों? यस हां सर। इसी तरह से मान लो या तो ये केस होएगा बच्चों, ये केस हो गया राइट, या फिर ये केस होएगा R2 I1, ये दोनों सेम नहीं है बच्चों, अलग अलग है। R2 में खाना खाया, I1 में आइसक्रीम खाई, राइट? इसके कितने केसेस बनेंगे बच्चों? R2 I15, ये भी कितने केस बन गए? 15 केस बन गए। 15 बताओ बच्चों, ऐसे R10 तक, R10 में खाना खाया और I1 में आइसक्रीम खाई, R10 और I10 बच्चों बताओ, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे I15 सर, I15 सर, 10 टाइम्स 15, सॉरी हर एक में 15 है, बताओ बच्चों, बताओ ये कितने केस बने 15, R1 से R10 तक, 10 केसेस बने ना, 10 केसेस। हाँ, तो बच्चों जब भी केस बनाओगे ना, केस तो ऐड करोगे, ये हर एक केस को ऐड कर दोगे, हर एक केस ऐड हो जाएगा राइट। और जब स्टेजेस आएंगे ना बच्चों, स्टेजेस रटो मत इसको, स्टेजेस आएंगे ना तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये स्टेज थी बच्चों कि पहले फूड खाया उसके बाद आइसक्रीम खाई, फूड एंड देन आइसक्रीम स्टेज हो गई ना बच्चों, फूड खाने के बाद आइसक्रीम राइट। तो दो स्टेज हो गई एक्चुअली उसकी, ओके? यहाँ पे ये केस हो गए बच्चों कि R1 में खाया आइसक्रीम, R1 में खाया खाना, फिर आइसक्रीम खाने के लिए किसी भी एक पार्लर में चला गया, लाइक दैट। ये केसेस हो गए, केसेस को हमेशा एड करो बच्चों, स्टेजेस को हमेशा मल्टीप्लाई करो। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इसको भी रटना नहीं है बच्चों, कहीं ये लिख करके कि स्टेज जब आती है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हालांकि मल्टीप्लाई ही करेंगे पूरे सिलेबस में राइट, स्टेजेस को हमेशा मल्टीप्लाई ही करेंगे, केसेस को हमेशा ऐड ही करेंगे, लेकिन बच्चों इसको रट के नहीं चलेंगे, इसको रट के जाएंगे तो सब गड़बड़ होएगा। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? सर हमेशा ऐड और मल्टीप्लाई करना है तो सर गड़बड़ क्यों होगा? नहीं, वापस पूछो क्वेश्चन अपना, रिपीट करो। आपने बोला कि रटेगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो लाइक हमेशा एक ही स्टेप फॉलो करना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने बड़े चैप्टर में अगर हमें अंडरस्टैंडिंग पता लग जाए कि कब ऐड करना और कब मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो स्टेजेस और केसेस अपने आप वैसे ही समझ में आ गए ना। आप बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमें पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन कहाँ से आया, तो बताओ रटने की जरूरत पड़ी क्या? This is what I am saying. हर क्वेश्चन को समझेंगे ठीक से, जब समझेंगे तो फिर क्वेश्चन नए बनाने में मजा आए। It's something like that. Have you understood this? Yes, sir. और किसी बच्चों को डाउट है इस बोर्ड पे? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। सर मतलब जब कंडीशन जब चॉइस होगी तब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं, जब चॉइस होगी तो ऐड करेंगे, जब चॉइस होगी तो ऐड करेंगे। Yes, sir.
तुम इसको रट रहे हो अभी भी, तुम बताओ हम लोग यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिखा, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर एक्चुअली आया कहां से उसको हम लोगों ने यहाँ केसेस बना के देख लिया ना बेटा, ये एक्चुअल है जो ये जहां मेरी फिंगर जा रही है ना, ये एक्चुअल है कि क्या हो क्या रहा है, एक बंदा जो है कर क्या रहा है, वो ऐसे ऐसे सोच रहा है। बच्चो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि हाइपोथेटिकल चीजें जो है ना उनको हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ते हैं। इसका मीनिंग मैं नेक्स्ट एग्जांपल में तुम लोग को समझाऊंगा। मानो अभी फिलहाल इस एग्जांपल में इस चीज को नहीं लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है ना बच्चों, वो केसेस वाला ही एक आंसर होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट कभी कभी लिख देते हैं अगर हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। प्रैक्टिस नहीं है तो केस बना बना करके लिखो बच्चो, इट्स समथिंग लाइक दैट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। Yes, और किसी yes, और किसी बच्चे को कोई डाउट है इधर इस पूरे बोर्ड पे? सर हाँ सर, लोग केसेस देख देख कर बता सकते ना कि किसमें ऐड करना है किसमें नहीं करना है, मतलब किसमें मल्टीप्लाई। नहीं मुझे एक चीज बता इसमें, तू इसमें तुझे पता लगा कि कहाँ ऐड करना है? पता इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है? इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये इवेंट और ये इवेंट साइमल्टेनियसली हो रही है, तो कोई भी बंदा दो डोर से एक साथ घुस सकता है? नो सर, नहीं घुस सकता ना। तो देख इधर क्या लिखा हुआ है, जब आइदर और इस तरह का कुछ लिखा आएगा तो एडिशन करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई तो तू नहीं कर सकता, एड ही करेगा ना बेटा। समझ में आया? जब एंड आएगा ना, जब एंड आएगा तब मल्टीप्लाई करेगा। देख यहाँ एंड आ रहा है, फूड खाने के तरीके 10 है, आइसक्रीम खाने के तरीके 15 है, फूड खाने के फूड एंड आइसक्रीम खाने के तरीके कितने होंगे? 150 होंगे, राइट? हाँ, जहां भी एंड फील करता हो बच्चों, एक बात समझो, फील करने का मतलब ये नहीं कि नींद में सपने में फील कर रहे हो, एक्चुअली फील कर रहे हो कि यहाँ एंड आना चाहिए, राइट? जैसे D1 D2 दोनों डोर से एक बच्चा कैसे घुसेगा? नहीं घुस सकता ना, कोई भी व्यूअर होगा तो दोनों डोर से एक साथ नहीं घुस सकता, या तो D1 से घुसेगा या D2 से घुसेगा या फिर D3 से, ऐसे तो ये सारी चीजें ऐड होगी तो आंसर 20 बनेगा। अब यहां देखो D1 एक डोर, उसके एंटर करने के तरीके 5 होंगे, लेकिन उसके एंटर करने के 5 तरीकों में से एग्जिट करने के हमेशा कितने तरीके होंगे? 4 ही रहेंगे ना, क्योंकि जिससे घुसेगा उससे बाहर नहीं निकलेगा ना, बराबर ना बच्चों? तो इसको यहां मल्टीप्लाई किया, जब भी एंड आ रहा है वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मुझे एसटीएम सर ने बताया था कि तुम्हें एनसीआर वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया अच्छे से, आई डोंट नो, मैंने इसलिए एनसीआर पे ध्यान नहीं दिया अभी, लेकिन ध्यान देंगे उस पे। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सर को सेकंड ट्रैक अभी कौन ले रहा है, मतलब इस पे इस ट्रैक पे कौन ले रहा है बच्चों? टीकेएम सर। टीकेएम सर, अच्छा बाइनोमियल थ्योरम टीकेएम सर ने लिया क्या इस ट्रैक पे? अच्छा हां सर। ओके, एनसीआर मेरी उनसे बात हुई थी सर से, सर ने बताया कि एनसीआर में मैंने वो कॉम्बिनेट्रिक्स के सारे जो ये वाले चीजें हैं, एनसीआर की कुछ डेरिवेशंस वगैरह सिखाए हैं। तो आप लोगों ने नोट्स रिवाइज नहीं किया क्या बच्चों? इशू नहीं है कुछ भी, इशू नहीं, आई विल टीच एवरीथिंग, बट नोट्स मेरे हिसाब से रिवाइज नहीं है, नोट्स हमेशा रिवाइज का इतना नहीं देखा था। चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तुम तो ये बताओ कि ये जो बोर्ड हम लोगों ने अभी फिल किया है, इस बोर्ड में अब भी कोई डाउट किसी को रह गया है क्या? नो सर। नो सर। ऑलराइट, तो अर्नव क्या? अर्नव बेटा इसका पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, कैन आई रेज दिस? यस यस, मतलब इसको मैं एग्जांपल 1 नंबर दे रहा हूं, इसको मैं एग्जांपल 2 नंबर दे रहा हूं। एग्जांपल 2 लिखना है, ठीक है ना यार? क्वेश्चन 2 और एग्जांपल 2 के लो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है? लिखना अभी बाकी पड़ा है क्या? लिखा नहीं क्या बेटा? हाँ सर, एक हाँ लिख लो, लिख लो, कोई इशू नहीं। बच्चों दिल से पढ़ो, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ोगे तो आईआईटी बहुत आराम से जाओगे, रटोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे लगेगा सिलेबस पूरा हो गया।
Done. So can I raise this? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Question number 3. City A, B, and C. A से B city तक पहुंचने के लिए there are 3 ways. बी से सी पहुंचने के लिए 4 वेज. अच्छा इसमें वो इमोशंस मत डाल देना कि ए से बी से डी पहुंचने के लिए 3 वेज का मतलब ये 3 रोड्स हैं बच्चों, है ना. अब कोई बोलेगा कि सर ए से बी से डी पहुंचने के 3 तरीके हम लोग ऐसे भी गिने कि ए से बी जाए, बी से ए आए, फिर ए से बी चले जाए, राइट. मान लो किसी को ए से सी पहुंचना है तो ए से सी पहुंचने के लिए एक ए से बी पहले जाएगा, फिर बी से ए फिर जाएगा, फिर ए से बी जाएगा, फिर सी पे चला जाएगा. नो नॉट दैट. रिपीटेशन नहीं कर रहा है हम लोग को, है ना, पहली बात. दूसरी बात बच्चों, ऐसे भी मत दिमाग में ऐसे मत डाल लो कि ए से बी पहुंच के दौड़ के पहुंचूं, चल के पहुंचूं, हवाई जहाज से उड़ के पहुंचूं. नो नॉट दैट. वो सब चीजें इमोशनल दिमाग में मत लाओ. प्रैक्टिकली पर्पस क्या है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है उससे बाहर बिल्कुल मत निकलो बच्चों. बच्चों ये क्लैरिटी है कि नहीं है बोर्ड पे? तो बच्चों एक चीज बताओ, ए से बी जाने के 3 वेज हैं, बी से सी जाने के 4 वेज हैं, ओके. तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर अ person to go, पहला question, from दूसरा question तीसरा question चौथा question पांचवा क्वेश्चन अच्छा एक बार ध्यान रखो, किसी भी क्वेश्चन का एक्शन पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो एक्शन किधर एंड होगा सर, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए पूरा. हाँ बोलो बेटा. सर समझो ए टू बी में हम लोग फर्स्ट रूट से गए तो बी टू सी क्वेश्चन पूरा, अभी क्वेश्चन पूरा लिखना है फिर पूछना है ना. ओके ओके. एक एक पार्ट और लिखना है मुझे. ये क्वेश्चंस हो गए बच्चों. क्या पूछ रहे हो बताओ? मैं पूछ रहा था समझो ए टू बी हम लोग फर्स्ट रूट से गए तो बी टू सी हम लोग फर्स्ट रूट से जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं ना. ओके ओके. ए टू बी फर्स्ट रूट से जाने के बाद बी टू सी चारों रूट से जा सकते हैं. तो बताओ ए टू सी फर्स्ट रूट से जाने के तरीके 4 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ. ए टू सी सेकंड रूट से अगर जाऊं मैं यहां से
तब भी चार तरीके होंगे, इससे जाओ तब भी चार तरीके होंगे, से यस और नो। यस सर। यस सर। बराबर ना? यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, हम लोग दौड़ तो लगाने वाले हैं ही नहीं, एकदम समझ समझ के हर चीज को चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ नहीं, तो क्वेश्चन है, अभी इसका आंसर लिखेंगे उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना बेटा। आंसर से इसी पे है। हाँ मैं इसी पे आंसर आ जाएंगे ना, सारे के सारे सामने आंसर आ जाएंगे ना इसके। ओके सर। डन सर। ऑल डन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है एक 10 सेकंड का टाइम और लेते हैं, थोड़े और लोगों को अपने अपने आंसर्स लिख देने दो। अच्छा बताए, ये लेक्चर जो मैं डिजिटल टैब पे नहीं लेके ऐसे लेता हूँ, उसका सिर्फ एक ही मीनिंग रहता है कि मेरे सामने स्क्रीन रहता है, स्क्रीन पे हर बच्चे का नाम मैं बुला करके और बात कर सकता हूँ, और उससे आप डेवलप करते हो, उससे आपको आगे जाके एक क्लासरूम का फीलिंग ही मिलता है। अदरवाइज मेरे लिए वो बड़ा इजी है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना, आराम से बैठ करके कैमरा हाइड करना, दिस इज वेरी इजीली आई कैन डू दैट, मतलब बहुत। हां बोल बेटा। सो कैन यू मूव योर हेड लिटिल बिट, कांट सी द क्वेश्चन। थैंक यू। हां बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर 3 3 3। अच्छा, तीनों में से कोई भी एक रास्ता चुन लूं मैं, है ना, कोई भी एक रास्ता चुन लूं, यही तो है 3C1। बच्चों 3C1 3 तो होता है, बोलो बच्चों। इंटरेक्टिव रहो, इंटरेक्टिव रहो, आई रिपीट, इंटरेक्टिव रहो बच्चों। B2C 4 वे क्या 4C1 लिख दूं क्या? 4 नहीं लिख रहा, 4C1 लिख रहा हूँ। चारों में से कोई भी एक रास्ता चुन लो बच्चों। A2C 3C1 into 4C1 मतलब तीन रास्ते से इस तरफ से जा सकते हैं बच्चों। There are three ways in which I can go from this way. ठीक है, ओके। There are 3C1 ways from this way, there are 4C1 from this way. यहाँ पे बच्चों यहाँ से और यहाँ जाना एंड आ रहा है कि और आ रहा है? और आएगा क्या? एंड आएगा। एंड आएगा। एंड ही आएगा ना? अब बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्वालिफाई किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया। From A to C and then, बच्चों ये क्या बता रहा है? A to C भी जाना और C to A भी जाना है। कुछ भी बोल रहा है, इंटू टू क्यों आएगा? 3C1 इंटू 4C1, इससे तो A to C पहुंच गया ना। अब C2A आने के लिए 4C1 इंटू 3C1, बता एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाबा यहाँ में एंड आ रहा है, और फिर यहाँ इसमें भी तो एंड आ रहा है, यहाँ भी तो एंड है। Yes sir. Yes sir. तो multiplied by 2 क्यों होगा? पता है multiplied by 2 यहाँ होगा। It's either or है। अच्छा समझ में आया? और है। A to C जाना है या C2A जाना है? मतलब उसको ये choice दे दी तुम लोगों ने। उसको ये choice दे दी कि या तो तू A to C चला जा या फिर C2A चला जा। बच्चों A to C जाने के तरीके कितने होंगे? 4C1। और बच्चों C2A आने के तरीके कितने होंगे? 4C1 into 3C1। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? Yes sir. ये चैप्टर बड़ा ही इजी चैप्टर है, इन केस बच्चों, इन केस यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग साइमल्टेनियसली, 1-to-1 टाइम टू टाइम सारी चीजें समझते चले जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, तुम्हें बी पे पहुंचना है, या तो ए से पहुंचना है या फिर सी से पहुंचना है। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ वेज अराइव ऑन बी फ्रॉम ए और सी। बच्चों ए से पहुंचे या सी से पहुंचे,
कंप्लीट एक्शन क्या है बच्चों, कंप्लीट एक्शन क्या है? एक्शन है या तो ए से पहुंचे या फिर सी से पहुंचे। ए से पहुंचने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बच्चों? और सी से पहुंचने के तरीके कितने होंगे बच्चों? बच्चों बताओ यहाँ पे और है कि नहीं है? क्वेश्चन में दिया हुआ है या तो ए से पहुंचे या सी से पहुंचे। बच्चों ऐसा मत कर देना ए से पहुंचने वाले आंसर लिख के बोलो सर बी पे तो पहुंची गया अब सी से क्यों पहुंचना है। क्वेश्चन में पूछा है उसने या तो ए से या फिर सी से पहुंचने के तरीके क्या होंगे। मतलब मानो तुम जज बन के खड़े हुए हो और रास्तों को देख रहे हो और एक बंदा जो है वो उसको ये क्वेश्चन तुमने दिया है तो जब आंसर थ्री बोलेगा तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब गधे ए से सी पे जाने के तरीके बता दिए, सी से आने के तरीके भी तो देख, सात तरीके है ना जिससे टोटल तू ए से बी पे पहुंच सकता है या फिर सी से बी पे पहुंच सकता है। बताओ बच्चों सही कर रहा हूं कि नहीं? यस सर। यस सर। हमेशा एक्शन कंप्लीट होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों उसमें एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। और तुम देखोगे धीरे 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 हम अपर लेवल एग्जांपल्स पे जब जाएंगे हर चीज हम सीखते हुए जाएंगे बच्चों, रट के नहीं जाएंगे। रट के बच्चों बताए इस चैप्टर की कमी क्या है, इसको बुक्स जब पढ़ाती है ना, किसी भी बुक्स जब आप पढ़ रहे होते हो तो वो क्या कुछ डिफिकल्ट चीजों को फॉर्मूले बना करके आपको सिखाती है। वो फॉर्मूले आप रटते हो तो उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कुछ, और ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन अगर समझ में आ जाए ना बच्चों तो हर क्वेश्चन तुमसे खुद से बनता है बाय द टाइम। टाइम लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन के साथ में धीरे 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 इस चैप्टर को हम लोग सीखते चले जाते हैं। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है क्या? सर कैन यू प्लीज वंस एक्सप्लेन ऑप्शन सी? ऑप्शन सी सर मिस व्हाई हैव यू मल्टीप्लाइड? व्हाई हैव आई मल्टीप्लाई? ए टू से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये एडिशन ही है, ये मल्टीप्लिकेशन है। सर मतलब व्हाई डाउट कि हम मल्टीप्लिकेशन ही क्यों किया, हमने एडिशन क्यों नहीं कर सकते? अच्छा एक चीज बताओ, ए टू सी जाने के लिए ए टू बी एंड बी टू सी जाओगे या ए टू बी और बी टू सी जाओगे? सर आई थिंक डायरेक्टली ए टू बी टू सी। ए टू बी टू सी में जब जाओगे तो ए से बी जाओगे एंड बी से सी जाओगे या ए से बी जाओगे और बी से सी जाओगे? सर आई थिंक फर्स्ट केस। एंड ही आएगा ना, ए से बी जाओ फिर उसके बाद ऐसे, मतलब अपन जनरल लैंग्वेज जिसमें अपन दो दोस्त लोग बात कर रहे होते हैं ना कैसे कि तू पहले ए से बी जाएगा फिर उसके बाद तू बी से सी जाएगा, जब भी बच्चों ऐसे बोलते हैं ना फिर उसके बाद, इसका मतलब एंड आ रहा है एंड। तो ए से बी जाएगा या बी से, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन को दो दोस्त कैसे बात करेंगे तो बोलेंगे तू बी पे ए से जाएगा या फिर सी से जाएगा। ए से जाएगा तो तेरे पास तीन तरीके हैं, सी से जाएगा तो तेरे पास चार तरीके हैं, तो टोटल तरीके बी पे पहुंचने के कितने हुए बच्चों बताओ? सात ही तरीके हुए ना? यस सर। बी पे पहुंचने के ए या सी से बी पे पहुंचने के सात तरीके होंगे, राइट? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस सर। और yes, किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में जो इतने सारे चार पांच छह सात क्वेश्चंस लिखे हुए कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर जो लास्ट वाला है ना हुँ. तो सर हाँ सर, तो सर बी बी पे ना हम ए से जाएंगे या फिर सी से जाएंगे, तो सर मतलब नंबर ऑफ वेज हमारे पास दोनों को काउंट करके कैसे होंगे ना सर? जगह हाँ. एक ही जगह से जाने वाली है ना, तो फिर वो उसी जगह के नंबर ऑफ वेज होंगे ना? नहीं 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 नहीं, तू मान ले बी पे खड़ा हुआ है राइट, और तूने तूने बोला कि एक इंसान को या तो ए से मेरे पास आना है या सी से मेरे पास आना है, तो उसके तरीके टोटल के तरीके कितने होंगे बता? कितने होंगे? या तो ए से आएगा या फिर सी से आएगा, तरीके कितने होंगे? सात तरीके होंगे ना? हाँ सर। बारह नहीं होंगे ना? अगर बारह होंगे तो बता कैसे बारह होंगे। अच्छा मैं ये 12 बताऊं कैसे होंगे, ये 12 कैसे आया पता है तुझे? जैसे W1 से ये गया, इधर के चार W1 W2 W3 W4 W1 के लिए चार तरीके, W2 के लिए भी चार तरीके, W3 के लिए भी चार तरीके, टोटल 12 हो गए कि नहीं हो गए बता? हाँ सर। एंड जब भी आएगा काउंट कर लो, लेकिन बच्चों हर क्वेश्चन में तो काउंट नहीं कर सकते ना, आपको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा कि यहाँ एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो उसको। अंडरस्टूड क्या बच्चों? यस सर। यस राइट। और किसी बच्चे को
सवन ए टू एफ में कोई डाउट है? बराबर सबने कॉपी किया है क्या? अर्रव इसका एक फोटो डाल दो बेटा अभी। नहीं अर्नव नहीं, किसको मैंने बोला था? हाँ अर्नव अग्रवाल को ही तो बोला है। डाल दे सर। ऑलराइट बच्चों कैन आई रेज दिस? आपने कॉपी कर लिया है? यस सर। यस सर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये पूरा चैप्टर पता है ये तीन चीजों पे टिका हुआ है। इन तीनों चीजों को मिक्स कर करके आपसे नई नई चीजें पूछेगा, मतलब इसकी मैक्सिमम जो हाइट आएगी ना बच्चों चैप्टर की, इन तीन चीजों को मिला के आएगी जो मैं लिख रहा हूँ अभी इसमें। All problems of this topic depends on following action. पहला बच्चों सिलेक्शन, अभी अभी किया है बच्चों हम लोगों ने, इसको करना है आज, इसी को करेंगे। दूसरा है बच्चों शफलिंग, बच्चों इसको अरेंज करना बोलते हैं, ये अभी आज नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में शायद नंबर आएगा इसका। और बच्चों तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, बाइनोमियल में भी देख चुके हैं एनसीआर वाला पार्ट, राइट। और ये शफलिंग वाला पार्ट क्या है बच्चों पता है? जैसे ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको शफल करना है, तो बच्चों इनको शफल ऐसे भी कर सकते हो, बराबर एक नई फोटो बन जाएगी। ये फोटो, इस फोटो में एबीसी दिखेगा, इस फोटो में एसी भी दिखेगा, इस फोटो में बी ए सी दिखेगा, इसमें बी सी ए दिखेगा, इसमें सी ए बी दिखेगा, इसमें सी बी ए दिखेगा। बच्चों बस यही तो शफल कर सकते हो, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को इसी तरह से तो शफल कर सकते हो बच्चों, बताओ सही है कि नहीं? सही है सर। ये हो गया शफलिंग बच्चों, इसको इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ऑर्डिनरी एग्जाम्पल लेकर के बात कर रहे हैं। और तीसरा हो गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है पता है? जैसे जैसे ये तुम्हारे पास में बॉक्सेस है, B1, B2, B3, और बच्चों ये आर्टिकल्स है A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 आर्टिकल्स को इन तीन बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बच्चों को एक स्टूडेंट बोलेगा मैं तो सारे के सारे 5 आर्टिकल्स जो है B1 में डाल दूंगा, हो गया मेरा काम पूरा। बच्चों ऐसे नहीं, आपको नंबर ऑफ वेज देखने हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, कि दो आर्टिकल फर्स्ट बैग में, दो आर्टिकल सेकंड बैग में, और एक आर्टिकल थर्ड बैग में। ये भी तो एक तरीका हुआ, बराबर ना बच्चों? यस यस सर। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब इसको बहुत आराम से पकड़ रहे होंगे, शायद दो लेक्चर इसी में हम दे रहे होंगे, राइट। इसमें दो से तीन लेक्चर दे रहे होंगे बच्चों। और ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये पूरा चल रहा होगा, मतलब ये पार्ट तो ऑलमोस्ट पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चल ही रहा होगा, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, तो ये दोनों ही अलग अलग हम लोग को पढ़ने हैं, राइट। तो बच्चों ये 3 raised to 10, सॉरी अभी अभी इस बात का जवाब मैं नहीं दे रहा तुम्हें, आंसर करेक्ट है कि नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ये तीनों मिक्स हो गए प्रॉब्लम जो बनते हैं ना, वो आईआईटी में प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछता है तुम लोग को, बराबर है। अच्छा ये चैप्टर छोड़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी में बहुत एडवांटेज है एक्चुअली। बच्चों ये तीन ही एक्शंस पे हम लोग पूरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, हालांकि ले चुके हैं
एग्जांपल फोर लेना है ना बच्चों। हाँ सर, सब लोग ध्यान दो बच्चों, फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स मेक, इनफैक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ये नहीं लिखना चाहिए, फाइंड नंबर ऑफ प्लेस मेकिंग अ टीम ऑफ फोर पर्संस सच दैट at least one girl is in the team. बच्चों ध्यान देना, सीखना है ये तुम लोग को, सॉल्व नहीं करना है, सीखना है। सारे लोग को आंसर आ जाएगा फिर भी सीखना ही है इस चीज को हम लोग को। बच्चों ये विजिबिलिटी है, क्वेश्चन पूरा नजर आ रहा है, से ये सुनो। यस सर। यस सर। Yes, sir. All right. अब सब बच्चे ध्यान दो। अच्छा उसका फर्स्ट मेथड, मेथड वन। अच्छा केस बना लो। वन गर्ल थ्री बॉयज बराबर ना, टू गर्ल्स टू बॉयज, एटलीस्ट वन गर्ल लेना है ना बच्चों, तो केस तो यही बनेगा ना पहला केस, थ्री गर्ल्स थ्री गर्ल्स वन बॉय। एक केस और क्या बनेगा बच्चों? लॉकडाउन ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज व्हाट डिड वी डू लास्ट, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ आई मीन। बेटा ये क्वेश्चन पढ़ ले आराम से। ओके सर। बच्चों ऐसा होगा ना कहीं इंटरनेट इश्यू की वजह से आप बाहर चले जाओगे फिर अंदर आओगे, तो कंटिन्यूटी में समझने का कोशिश कर रहो, अदरवाइज फिर स्क्रीनशॉट से या फिर रिकॉर्डिंग से सीखने का कोशिश करो। शुरुआत के कुछ लेक्चर, दो तीन लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग में रेगुलर आपको भेजूंगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, उसके बाद कंटेंट सीखेंगे ठीक से, ठीक है। और मैं डे वन जब हमारा बात हुआ था बच्चों, याद करो मैंने क्या बोला था, कनेक्टिविटी प्रॉपर बनाओ, आईआईटी जाना है ये डिसाइड करके और क्लास अटेंड करो, ठीक है। ये पहला बोलो सर, कभी कभी क्लास मिस हो जाए तो आपको पर्सनल चैट पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। बेटा ये कोशिश करो कि क्लास मिस ना हो। हाँ सर प्लीज। ओके मतलब समझो अगर टीचर्स की ऐसे क्लास मिस होती रही, मेरे मतलब महीने में चार क्लास मैं मिस करूंगा तो हो गया ना डब्बा बोल, वो नहीं ना, क्लास मिस ना हो ये कोशिश करनी चाहिए। फिर भी सेंस ऑफ इमरजेंसी रहेगा तो इंडिविजुअली लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। बच्चों ध्यान दो, मेथड वन, चार केस। बच्चों और कोई केस बच रहा है क्या, मुझसे कहीं छूट तो नहीं गया, इतने ही केस बनेंगे ना बराबर ना। अच्छा बच्चों चलो बताओ इन इस केस को, ये केसेस है बच्चों, केसेस है, केस वन टू थ्री फोर, हर एक का आंसर सामने लिखते हैं बच्चों। बताओ फोर गर्ल्स में से, फोर गर्ल्स में से एक गर्ल को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? फोर सी वन फोर एंड एंड बच्चों ये एंड आएगा ना, अरे बाबा चार चार लोग चाहिए ना, तो एक गर्ल ले लिया एंड थ्री बॉयज, एंड थ्री बॉयज तो जो है मल्टीप्लाई करूं कि ऐड करूं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना करूं? 4c बराबर 4c 3 बराबर। बच्चों फर्स्ट केस क्लियर है? यस। सेकंड केस बताओ, चलो चलो बच्चों सेकंड केस बताओ। 4c2 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 4c3 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 4c3
बच्चों इन सबको क्या करना है, ऐड करना है कि इन सबको मल्टीप्लाई करना है? इनको ऐड करना है बच्चों, इनको ऐड करने से आंसर 140 आ रहा है। ठीक है,
ऐड कर दोगे ना बच्चों घर में? हाँ सर हाँ सर। मेथड वन बच्चों ध्यान दो, मेथड टू ऐसे भी सोच सकते थे बच्चों, ऐसा करते कि हमें हमें क्वेश्चन में पढ़ना है ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ फेस मेकिंग अ टीम ऑफ फोर पर्सन सच दैट एट लीस्ट वन गर्ल। तो बच्चों पहले एक गर्ल को सेलेक्ट कर ही डालो, बताओ बच्चों एक गर्ल को सेलेक्ट किया कितना वेस से? 4C1 वेस से राइट बच्चों, ये 114 नहीं आ रहा है सॉरी, 4C1 वेस से मतलब कितना आ रहा है मुझे याद नहीं एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको हटाया, बाद में देखते हैं ऐड करते हैं देखते हैं। अच्छा 4C1 वेस से इसको हम लोगों ने क्या किया, गर्ल को सेलेक्ट कर लिया, अब कितने गर्ल तो सेलेक्ट हो गई ना बच्चों? यस सर। अब अपन लोग को कितने और लोग लेने हैं टीम में बताओ? तीन। कितने में से लेना है बच्चों? 12 में से। 12 कहाँ से आ गए यार, 12 किधर से आ गए? 7 में से लेने ना, 7 लोग में से। 7C3 बच्चों सही है ना? यस। 4C1 में से एक गर्ल ले ली और बाकी बच्चे हुए 7 में से, 3 वेज में से कोई भी 3 लोग ले लिए, तो एटलीस्ट वन गर्ल इसमें आ गई है बच्चों हमारे पास में, बराबर है। मेथड टू बच्चों ये वाला मेथड इजी है, फर्स्ट मेथड इजी है कि सेकंड मेथड इजी है? सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इजी है। ओके सर ये सेकंड मेथड नहीं समझ में थोड़ा मतलब, अभी समझाते हैं वापस एक बार समझाते हैं बच्चों। 4C1 वेज से एक गर्ल ले ली, एटलीस्ट एक गर्ल लेनी है ना, तो 4C1 वेज से एक गर्ल ऑलरेडी ले ली, यहाँ गर्ल सेलेक्ट हो चुकी है, अब तुम्हें टीम बनानी है, कितने और लोगों की टीम बनानी है बताओ? 7 लोगों की टोटल। 7 लोगों की टीम नहीं, टीम तो 4 ही लोगों की बनानी है। ओके लेकिन कितने में से बनानी है? 7 में से बनानी है। 7 में से बनानी, तो 7 में से 3 सेलेक्ट कर लो कोई भी। ओके हां यस सर समझ गया समझ गया, थैंक यू। ठीक है ना? अच्छा 7 लोगों में से बनानी है वो बस फेवर, प्लीज प्लीज 2 मिनट मुझे दे दो, I'll take your point of view, है ना? बच्चों थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3। बच्चों ये काम क्यों नहीं करते हैं, 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब B1, B2, B3, B4, G1, G2, G3, G4, इन 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिए। बच्चों इन 8 में से जो कोई भी 4 सेलेक्ट करने वाले तरीके होंगे, जो तरीके होंगे उनमें एक तरीका ऐसा भी होगा ना बच्चों जिसमें चारों बॉयज सेलेक्ट हो गए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चारों बॉयज सेलेक्ट हो गए, 4 में से 4 बॉयज कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो बच्चों? एक ही तरीका है, 4C4 मतलब एक ही तरीका है ना, -4C4 लिखते हैं ना बच्चों, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। बताओ बच्चों इस केस में एक गर्ल आ गई कि नहीं आ गई, कम से कम एक गर्ल रहेगी कि नहीं रहेगी? बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, एक मिनट मेरे पास कुछ लिखा हुआ है क्या, मैं देख लेता हूँ वेरीफाई कर लेता हूँ मेरे पास कुछ आंसर है क्या इसका। हाँ बच्चों इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर बच्चों 210 आ रहा है, इसका आंसर 210 आ रहा है, लेकिन बच्चों इसका आंसर 210 नहीं आ रहा, जरा एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आ रहा है। M3 का आंसर बताओ ना आराम से। एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स, और बच्चों इसका आंसर भी 69 ही आ रहा है अगर ऐड करोगे तो। अगर हम लोग प्रोबेबल
केसेस निकाले हैं तो ये दोनों करेक्ट नजर आ रहे हैं बच्चों, ये रॉन्ग नजर आ रहा है, ये रॉन्ग नजर आ रहा है ना सर? तो मेथड टू रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है ये समझो बच्चों, सर ऐड करना, बच्चों सुनो ना नहीं ऐड करके भी नहीं आएगा ना। अपन ऐसा अपन बताए ऐसा नहीं करें कि आंसर कैसे आ रहा है देखते हैं, 69 आंसर आ रहा है तो कैसे आ रहा है देखते हैं, ऐड करके आता है कि मल्टीप्लाई करके, ऑथेंटिसिटी देखें बच्चों, जरा ध्यान दो। 4C1 वेज क्या है बच्चों वापस बताओ, चलो 4C1 वेज क्या है? बच्चों मिलके पढ़ाई करो ना, ऐसे टीचर डिक्टेट करता रहेगा थोड़ी मजा आ जाएगा। चार लड़कियों में से एक लड़की सेलेक्ट करी, तो बच्चों एक काम करते हैं, मान लो जीवन सेलेक्ट करी। 4C1 वेज के चार तरीके हैं, जीवन, G2, G3 या G4, यही हुआ ना बच्चों 4C1 का मिलना, या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, बराबर बच्चों? मान लो जीवन सेलेक्ट करी, अब 7C3 वेज कौन से हो गए बच्चों? 7C3 वेज कौन से हुए बताओ तुम्हारे पास में? टोटल जीवन G2 G3 G4 B1 B2 B3 B4 ऐसे, तो तुमने जीवन सेलेक्ट कर लिया। अब तुम्हें ये सात जो लोग बचे हैं ना, इनमें से तीन सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, एक केस लेता हूँ इधर B1 B2 और G2, बराबर है बच्चों? एक केस है ना भाई, जो आंसर आएगा उसका एक आंसर ये है। चार लोगों की मतलब बताओ बच्चों, ये चार लोगों की टीम बन गई कि नहीं बन गई, जिसमें कम से कम एक गर्ल है, जीवन है ना इसमें, दो है। अच्छा बच्चों जब G2 सेलेक्ट कर रहा हूं, तब अब G2 सेलेक्ट हो चुकी है, 4C1 वेज में G2 का सिलेक्शन हो चुका है, G2 का सिलेक्शन हो चुका है, ये सिलेक्शन हो चुका है। तो बच्चों अब इसमें B1, B2, G1 सेलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकती बच्चों 7C3 वेज में? हाँ सर। बच्चों बताओ ये दोनों केसेस सेम हो गए कि नहीं हो गए? ये टीम में सेम ही लोग खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे बच्चों? ये टीम और ये टीम मतलब मानो हॉकी की टीम है, तो ये वाली टीम सिलेक्शन कोच बोलेगा ये क्या है, ये तो दोनों सेम ही टीम है यार, राइट? हम लोग को नंबर ऑफ टीम्स देखनी है कितनी बना सकते हैं, तो ये दो टीम थोड़ी हुई बच्चों, ये तो एक ही टीम हो गई ना। हाँ। रिपीटेशन हो गया ना बच्चों? हाँ सर। तो बच्चों एक बात बताओ, 4C1 वेज से जब गर्ल मैंने सेलेक्ट की, तो उसके बाद में 7C3 वेज से हम तीन लोगों की टीम नहीं बना सकते। कारण क्या है कि 4C1 वेज से जो गर्ल सेलेक्ट की है वो गर्ल यहाँ पे रिपीट हो सकती है 7 में, क्योंकि जब जीवन तुम यहाँ ले लेते हो तो G2 यहाँ रह जाती है, और जब G2 तुम यहाँ ले लेते हो तो जीवन यहाँ रह जाती है। बच्चों दूसरा वाला एक्शन पहले वाले एक्शन से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तुम इसको रटो मत बच्चों, तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये दोनों सेम हो गए, डबल हो गए एक्चुअली, यहाँ डबल नहीं और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा हो गए बच्चों। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसको? इसको? हाँ सर। नहीं ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इसमें केसेस ज्यादा बन रहे हैं, मतलब किसी भी स्टेज में समझो, इस स्टेज के बाद ये स्टेज इसको रिपीटेशन दे रही है। 7C3 वेज में 4C1 वेज के ये जो वेज लिखो, राइट? अब 7C3 वेज में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो यहां आया वो यहां रिपीट हो जाएगा। देखो ये रिपीट हो गया, यहां पे जब G2 यहां ले रहे हैं तो रिपीट हो गया बच्चों, बहुत रिपीटेशन आएंगे इसमें, तो इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये या तो ये तरीका रहेगा या फिर ये तरीका रहेगा। ओके बच्चों इसको रट नहीं सकते, इसको ऐसे समझा सकते हैं, समझना ध्यान देना। मेरा जो एक्शन हुआ है यहाँ पे, वो एक्शन पर्पजलेस नहीं होना चाहिए। इस एक्शन का पर्पज क्या है? इस एक्शन का पर्पज है एटलीस्ट एक गर्ल आए, राइट? गर्ल का रिपीटेशन नहीं आए, ऐसा नहीं है। मतलब 4C1 वेज में तुमने जो गर्ल सेलेक्ट की है उसको तुमने फिक्स नहीं किया है बच्चों। अगर ये गर्ल तुम फिक्स कर दोगे कि मुझे एक कैप्टन गर्ल चूज करनी है, तब बच्चों इसका आंसर सही आ जाएगा। अब तुमने कैप्टन और गर्ल एक साथ चूज कर ली ना,
अब तुम साथ में से कोई भी तीन चूज करो तो चलेगा। बच्चों ये जो चीज है ना बच्चों, इसको मैं बॉक्स लगा करके और एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, राइट। ये वाला जो रॉन्ग जो हुआ है ना बच्चों, ये तुम्हें समझ में आएगा इससे जस्ट नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, कह रहे हाँ यार वहां ये रॉन्ग था यहाँ ये करेक्ट है। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ ये रॉन्ग है लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्यों करेक्ट हो जाएगा? जैसे वो समझ में आएगा तुम्हें यहाँ की मिस्टेक पकड़ में आएगी। ये दोनों समझ में आएगी नहीं आएगी बताओ अभी फिलहाल के लिए। सर मेथड थर्ड वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? थर्ड वाला मेथड है। मानो कि तुम एक लाइन में चार बॉयज और चार गर्ल, तुम्हारे कोई पक्के वाले दोस्त आठ दोस्त तुम खड़े हो, राइट। आठ में से कोई भी चार दोस्त तुमने चुने, राइट। और फिर चुनने के तरीके लिखना शुरू किया, आठ में से चार चुनने के तरीके 8C4 होते हैं, वो चुनने के तरीके लिखे। 8C4 का आंसर कितना आ रहा था, किसने कैलकुलेट किया है तो जरा आंसर बताओ। 70 आ रहा था ना, 70। हाँ यार 69 ही आ रहा है तो 70 आ रहा होगा, आई एम सॉरी 70 तरीके। तो W1, W2 और बच्चों ये W70, ये 70 तरीके हो गए। आठ में से चार को चुनने के ये 70 तरीके हो गए। बताओ बच्चों इन 70 तरीकों में एक तरीका वो नहीं है क्या जिसमें से चारों बॉयज को तुमने अपनी तरफ बुला लिया, चलो भाई तुम चारों सेलेक्ट हो गए, बराबर? यस सर। बताओ बच्चों उस टीम में एटलीस्ट वन गर्ल शामिल हुई क्या? यानी ये 70 बेस में से एक तरीका तुमने गलती कर दी, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना एटलीस्ट वन गर्ल लेने के लिए बच्चों। सर हमने ये माइनस 4C4 माइनस क्यों किया, वो नहीं समझा सर। 4C4 माइनस नहीं, एक वो तरीका W1 से W70 में एक तरीका, वो एक तरीके को मैंने 4C4, चारों में से चारों बॉयज मतलब आठ जो बच्चे थे उनमें से चारों बॉयज सेलेक्ट हो गए। अब चार में से चार बॉयज सेलेक्ट करने के तरीके होते कितने हैं, 4C4 ही होते हैं ना बेटा। ओके हाँ, इसलिए फिर अगर वो 8C4 में अगर रिपीट भी होते होंगे फिर भी वो माइनस हो जाएंगे। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर देखे तो एक तरीका ही ऐसा है, वो 4C4 की वैल्यू भी 1 ही होती है ना एक्चुअली, वो बाहर निकाल दो। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर समझ गए। अच्छा बच्चों ये तो इजी था ना? हाँ सर। इसमें सारे हर एक तरीका जो है उसको ऐड करना था, हमें ऐड करना था, वी गेट 69। बच्चों इसको वेरीफाई जरूर करना, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब टीचर बोल रहा है वेरीफाई जरूर करना तो वेरीफाई जरूर करना। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें जो स्टेजेस पता लगे, तुम्हारी जो क्वेश्चन की क्लेम है, आई रिपीट क्वेश्चन की जो क्लेम है, अगर वो क्वेश्चन की क्लेम तुम्हें लग रहा है कि फिट हो रही है, राइट, तो तुम बच्चों कोई भी मेथड लगाओ वो आंसर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन की क्लेम सिर्फ 8C4 में फेल हो रही है। कैसे फेल हो रही है? कि 8C4 में एक तरीका वो भी है जिसमें चारों बॉयज सेलेक्ट हुए, वो क्लेम फेल कर रही है तुम्हारा कि एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए, राइट। बच्चों उस तरीके को बाहर निकालो, जो तरीके ऐसे हैं जो क्लेम फेल कर रहा है उसको बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया बच्चों, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। तो मेरा आंसर आ गया, आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? यस सर। ये कॉपी किया है क्या बच्चों? इसी क्वेश्चन को मुझे रिपीट करना है एक छोटा सा चेंज करके। कॉपी हुआ है, इरेज करूं? अर्णव स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालो। बच्चों हम लोग डे वन फिक्स कर चुके हैं कि हम लोग 1.5 घंटा इफेक्टिव क्लास रखेंगे नंबर वन, और 1.5 घंटे के बाद बाकी बचा हुआ जो 10-15 मिनट 20 मिनट बचता है उसमें ड्यूरिंग द लेक्चर किसी बच्चे को अगर डाउट रह गया हो कि सर मुझे वो वाली चीज में थोड़ी परेशानी रह गई थी, मैं पूछ नहीं पाया, राइट, वो डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? इरेज कर दूं क्या? हाँ सर कर दो, स्क्रीनशॉट आ गया सर ग्रुप पे। ऑलराइट, कोई लिख रहा है तो उसको बीच में रह गया क्या? तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये, हाँ बोलो बोलो
सर जो तीसरा वाला किया सर, तो मतलब आपने मतलब एक केस माइनस किया ना सर, तो उसको वो 4C4 को 4C3 भी मतलब लिख सकते समझो, 4C4 को तुम 4C0 भी लिख सकते हो सर, लेकिन 4C0 लिखने का मतलब क्या है, 4 में से 0 सेलेक्ट करना, यानी 0 गर्ल सेलेक्ट की, मतलब कोई भी गर्ल सेलेक्ट नहीं की, 4C0 वो भी अगर हटा दोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा ना बेटा। हाँ सर बराबर है सर, सेम आएगा बट बट सही है, गलत होगी ना। अरे नहीं तो समझा नहीं, फंडामेंटली भी करेक्ट है ना, 8 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, अब उसमें से बहुत तरीके बाहर निकालो जिसमें एक भी गर्ल सेलेक्ट नहीं की, कितने तरीके है बच्चों, 8 में से कोई गर्ल, सॉरी 8 में से नहीं, 4 में से, गर्ल तो 4 में से सेलेक्ट करेगा ना। हाँ सर, 4 में से कोई गर्ल सेलेक्ट नहीं हो, उसके तरीके कितने होंगे, 4C0 होंगे ना। अरे बाबा इसी को ऐसे भी लिख सकता है ना, 8C4 माइनस 4C0, नो गर्ल, और यहां पे ऑल बॉयज, दोनों ही सेम तो हो गए, दोनों का मीनिंग सेम ही तो हुआ। यस सर। अच्छा हाँ सर, हाँ समझा, बराबर ना। हाँ सर समझ गया, जितना एनालिटिकल सोचोगे, ऑब्स्ट्रक्शन मत डालो अपने थिंकिंग में, और कभी भी डिस्ट्रैक्शन मत डालो, जैसे मैंने बोला था ना नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू बी, और कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं तो हवाई जहाज से उड़ के पहुंचूंगा वहां पे, व्हाई विल आई वेस्ट माई टाइम, राइट, वो सब फालतू की चीजें मत करो, इतना मतलब गंदा मत सोचो, जो एक्शन है एक्शन पे ध्यान दो, कि मुझे कोई भी गर्ल ना लूं तब भी एक गर्ल, कम से कम एक गर्ल वाला मामला फेल हो जाएगा, या चारों बॉयज ले लूं तब भी कम से कम एक गर्ल वाला मामला फेल हो जाएगा, तो ये वाली चीज जो है ना सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, या तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो तब सक्सेस हो गए, या फिर ये सब्ट्रैक्ट कर दो तब सक्सेस हो गए, और दोनों सेम ही मीनिंग है बच्चों दोनों का। यस, दोनों का आंसर वन ही तो होता है बच्चों, बराबर है। तो बच्चों मैं क्या ये सेकंड वाला जो पार्ट है ना उसको इरेज कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन ये रख रहा हूं, इसमें थोड़ा चेंज करूंगा, इधर ऊपर वाला भी हटाते हैं, इधर एक नया क्वेश्चन ले लेंगे, एक काम करते हैं क्वेश्चन वापस लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 गर्ल्स, साथ साथ लिखो क्वेश्चन, 4 गर्ल 4 बॉयज, नंबर ऑफ वेज मेकिंग और टीम ऑफ 4 प्लेयर्स सच दैट एट लीस्ट 1 गर्ल is in the team। अब तुम लोग बोलोगे सर पुराना वाला पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपने, तो बराबर ना बच्चों यही तो है। हाँ सर। हाँ सर। In the team as captain। मतलब एटलीस्ट एक गर्ल होगी, ज्यादा गर्ल्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक गर्ल जो होगी ना वो कैप्टन होगी, मतलब मान लो 3 गर्ल है, 3 में से एक को तो कैप्टन बनना ही बनना है, ये गारंटी है। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन का डिफरेंस? यस यस, मतलब सो सेम लड़की हर टीम में कैप्टन होनी चाहिए। क्या बेटा वापस बोल, वो सेम गर्ल हर टीम में कैप्टन होनी चाहिए? नहीं सेम गर्ल नहीं, मतलब सेम गर्ल को कैप्टन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक गर्ल चुनो। देखो इसको इस तरह से समझो, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो ये कह रहा है, जैसे बच्चों सब लोग ध्यान देना, केसेस बनाते हैं, मेथड 1 वही वाला करते हैं जो पहले किया था, है ना।
क्या मेथड था बच्चों? फोर फोर बॉयज, नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, थ्री बॉयज एंड वन गर्ल, बराबर ना बच्चों? फिर टू बॉयज टू गर्ल्स, फिर वन बॉय थ्री गर्ल्स, और फिर जीरो बॉयज एंड फोर गर्ल्स, बराबर बच्चों? ये केसेस बने एटलीस्ट वन गर्ल के लिए, तो यही केसेस बने बच्चों, बताओ से यस और नो? यस सर। अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, एटलीस्ट वन गर्ल उसको कैप्टन बनाना है, तो जो पूरा एक्शन क्या है, एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए और जितनी गर्ल्स है उनमें से एक गर्ल को कैप्टन होना चाहिए, बराबर? यही क्वेश्चन है ना बच्चों? यस सर। अब समझो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, ध्यान दो। पहला केस मैं लिख रहा हूं ध्यान से, चार बॉयज हैं, चार बॉयज हैं और चार गर्ल है, तो बॉयज सेलेक्ट हुए फोर सी थ्री वेस्ट से, बच्चों बताओ सही है कि नहीं है? यस सर सही है। यस सर। गर्ल गर्ल सेलेक्ट हुई कितने वेस्ट से बच्चों? फोर सी वन, फोर सी वन बच्चों, एक ही गर्ल सेलेक्ट हुई और वन सी वन वेस्ट से उसको कैप्टन बना दिया, एक ही गर्ल है ना, तो कैप्टन तो एक ही तरह से बनाया जा सकता है ना, जो गर्ल सेलेक्ट हुई उसी को कैप्टन बना दिया बस बच्चों, बताओ बताओ तीनों के बीच में एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, तीन बॉयज सेलेक्ट हुए एंड एक गर्ल सेलेक्ट हुई एंड उसको कैप्टन बना, बताओ बच्चों? यस सर। अब बच्चों ये बताओ ये सेकंड वाला पार्ट कैसे लिखोगे? 4c2 into 4c2 into 4c2 into बच्चों क्या लिखूं यहाँ पे? 2c1 2c1। ये जो दो गर्ल सेलेक्ट हुई उन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बना दिया बच्चों, बराबर है? यस सर। बच्चों तीसरा एक्शन ये 4c1 इनटू कितना? 3c2 4c3 हाँ सॉरी सॉरी 4c3 और बच्चों नेक्स्ट क्या बताओ? 3c1 से ये कैप्टन बनाने वाला पार्ट है बच्चों, ये गर्ल सेलेक्ट करने वाला पार्ट है और ये बॉय सेलेक्ट करने वाला पार्ट है ना। अब बच्चों ये बताओ ये 4C0 4C4 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 4C4
ध्यान से मेथड टू देखो, मेथड टू बच्चों, मेथड टू देखो भी और उसको आराम से मेरे से डिस्कस भी करो बच्चों। कैप्टन को हम लोग एक काम करते हैं, हॉकी टीम की गोलकीपर का नाम दे देते हैं, कैप्टन गोलकीपर है ऐसा मानते हैं, ताकि उसकी शक्ल पता रहे कि गोलकीपर दौड़ नहीं सकता ना मैदान में इधर, तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा आराम से, राइट। कैप्टन मतलब कैप्टन की जगह गोलकीपर नाम देते हैं, गोलकीपर को तो लेने ले। वैसे गोलकीपर होना भी चाहिए, गोलकीपर को होना भी चाहिए, राइट। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखने के लिए आप बताओ मुझे बच्चों, सात में से सॉरी चार में से एक गर्ल को मैंने चूज किया और उसको कैप्टन बना दिया बच्चों, क्या बोलते हो? हाँ सर, चार में से एक गर्ल सेलेक्ट करी और उसको मैंने कैप्टन बना दिया, ठीक है। अब बच्चों जो बाकी बचे हुए सात प्लेयर है उनमें से कोई भी तीन प्लेयर चूज कर लो, बोलो बच्चों ये आंसर करेक्ट है बच्चों। सर तो हम लोग बेसिकली स्टेटमेंट को एंड में स्प्लिट कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो? नहीं, तो समझ इस चीज को, ये जो फोर सीवन वेज लिए, इन फोर सीवन में मान ले तूने जीवन गर्ल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके तूने उसको कैप्टन बना दिया, कैप्टन बना दिया मतलब गोलकीपर बना दिया, बता तुझे गोलकीपर की शक्ल जीवन नजर आएगी कि नहीं आएगी इस जगह में? यस सर। अब तूने B1, B2 और G2 ऐसे सेलेक्ट कर लिए, 7C3 वेज में ये सेलेक्ट कर लिया, बराबर? यस सर। अब बेटा तूने 4C1 वेज में जीवन जो है उसकी जगह G2 ले लिया, अरे बाबा 4C1 का मतलब चार तरीके हो गए, चार तरीके में जीवन को गोलकीपर बना दो या G2 को गोलकीपर बना दो। बच्चे G2 को गोलकीपर बनाने के बाद में अब तूने 7C3 वेज में B1, B2 और जीवन ये तीन सेलेक्ट किए, बता ये दोनों टीमें अलग अलग है कि सेम है? टीमें सेम है लेकिन क्वेश्चन का जो एक्शन है ना वो सेम है, क्वेश्चन का एक्शन सेम है,
क्वेश्चन का एक्शन क्या है कि कैप्टन हमेशा होना चाहिए, कैप्टन अलग अलग है। बताओ बताओ जीवन यहाँ पे, जीवन यहाँ पे कौन कैप्टन है? जीवन कैप्टन है। इसलिए इस टीम की जो, इस टीम की जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? जीवन कैप्टन है। इसमें जो कोच देख रहा होगा, कोच क्या देख रहा होगा बच्चों? कोच इन दोनों टीम्स को सेम देख रहा होगा कि अलग देख रहा होगा बच्चों? अलग 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 देख रहा होगा बच्चों। बताओ पिछले वाले क्वेश्चन में कोच जो देख रहा होगा उसमें हॉकी वाला गेम हम ले ही नहीं रहे एक्चुअली, हम गोलकीपर को देख ही नहीं रहे एक्चुअली, सब मैदान में दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं। तो जीवन जी टू दोनों दौड़ रहे होंगे वहां भी और जीवन जी टू यहाँ भी दौड़ रहे होंगे, तो ये दोनों सेम थे वहां पे बच्चों? ये दोनों सेम है क्या बताओ यहाँ पे? अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 4C1 × 7C3 यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों। इसको ऐड करके, इसको ऐड कर लो, ये आंसर सेम ही आने वाला है। ये आंसर पर नहीं आने वाला। अगर एक सर एक डाउट है सर, अगर हमने जो 4C1 में जो गर्ल सिलेक्ट की है वही अगर 7C3 में अगर सिलेक्ट हो जाए जीवन, कैसे, जीवन कैसे 4C1 जब तू लिखेगा तो कैसे लिखेगा? या तो जीवन या G2 या G3 या G4। इसके शक्ल पे तो गोलकीपर लिखा हुआ है, ये गोलकीपर लिखा हुआ है, ये गोलकीपर। ये जब कोच देखेगा, कोच की तरह देख, यू आर अ कोच ऑफ द टीम राइट। तो तूने 4C1 में जब जीवन सेलेक्ट किया तो तूने कैप्टन किसको बनाया, सॉरी गोलकीपर किसको बनाया? जीवन को बना दिया, जीवन को बनाया राइट। अब वो बाकी बचे हुए प्लेयर्स यहाँ पे जो आ रहे हैं उसमें तो जीवन नहीं आएगा, गारंटी है। ओके हाँ, तो सर वैसे है? तो फिर हम पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हम वही मेथड फॉलो कर सकते ना इसमें जो चल पिछले वाले मेथड में बता, पिछले वाले मेथड में किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को सेलेक्ट करना था क्या? स्पेसिफिक पर्सन को हमें गोलकीपर या कैप्टन बनाना था क्या सर? मतलब इसमें कंडीशन है इसलिए हमारा राइट आया। हाँ, यहाँ पे जीवन जो है, तू सोच एज अ कोच अगर तू सोचेगा तो तुझे क्या नजर आएगा? यार मैंने एक गोलकीपर है, वो गोलकीपर को जीवन खड़ा किया हुआ है। अभी मैंने गोलकीपर को क्या खड़ा किया हुआ है? G2 खड़ा किया हुआ है, बराबर? यस सर। अभी G3 खड़ा किया, अभी G4। तो बच्चों जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना इसमें, जीवन अगर गोलकीपर है तो जीवन के साथ में जितने भी बच्चों, जीवन के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, लेकिन ये टीमें कभी भी बदलेंगी नहीं। मतलब ये दो टीम अलग अलग है, ये तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया है बच्चों यहाँ पे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सर। बराबर है। अब बच्चों एक चीज बताओ, पुराने वाले क्वेश्चन में अगर तुम ही कोच होते और तुम बोलते कि यार चार लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें से कम एक लड़की होनी चाहिए, दैट्स ऑल राइट। अब ये वाला पेयर, ये वाली टीम और ये वाली टीम अगर तुम लिखती है कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो तुम्हारा ये तरीका और ये तरीका बताओ सेम होता कि नहीं होता? यस सर। मतलब ये दोनों टीमें सेम होती कि नहीं होती? मतलब ये टीम खेल रही होती तब तुम बोलते अच्छा ये खेल रहे हैं, फिर ये वाली टीम खेल रही थी अरे सेम ही तो खेल रहे हैं यार ये दोनों के दोनों। लेकिन बच्चे जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला है इसमें बता, तू जब देखेगा तो ये दोनों टीमें सेम खेल रही होंगी क्या? इस टीम में जीवन गोलकीपर खड़ा हुआ है और खड़ा हुआ नहीं खड़ी हुई है सॉरी, इस टीम में G2 गोलकीपर की तरह खड़ी हुई है। दोनों टीमें अलग अलग है कि नहीं बता? यस सर, अलग अलग है सर। दैट्स इट बच्चों, किसी भी क्वेश्चन का एक्शन अगर तुम कैच कर गए धीरे धीरे समझ में आएगा। एकदम एक ही लेक्चर में कैसे समझ में आ जाएगा यार? ऐसा थोड़ी भगवान थोड़ी है कोई टीचर तुम्हें उठा के सब चीजें घुसा देगा दिमाग में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इग्नोर मत करो, कंसेप्ट को इग्नोर मत करो। समझ में नहीं आया तो पीछे पढ़ के पूछो बच्चों। इस चैप्टर की गेम यही है कि इस चैप्टर में हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए ना तो फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, एकदम चीजें क्लियर हम लोग को पकड़ में आती है। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? ये वाला आंसर सेम आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है वैसे भाई देवे? किया था ना आप लोग ने अभी? 120 आ रहा है ना? 140 बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेना, ये भी 140 है। कैलकुलेट मैं बोलता हूँ जरूर कर लेना बच्चों, इससे कॉन्फिडेंस आता है ठीक है। अच्छा बच्चों मेथड 4 पे जाते हैं, मेथड 3 पे जाते हैं। 8C4 वेस से चार प्लेयर सेलेक्ट किए और उसमें से कोई भी सेलेक्ट गर्ल सेलेक्ट नहीं हुई वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चों कैप्टन कैसे बनाओगे? ये तो पक्का हो गया, ये तो पक्का हो गया बच्चों कि यहाँ पे कम से कम एक गर्ल आ रही है, बराबर ना? कैप्टन कैसे बनाओगे यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे कुछ भी यार, कुछ भी। 4C1 वेस्ट से कैप्टन कैसे बना सकते हो?
ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर में टोटल प्लेयर कितने हैं? चार प्लेयर है ना? चार प्लेयर है तो बार फोर्थ चार प्लेयर मान ले ऐसे हैं, ऐसे सेलेक्ट हुए B1 B2 B3 और G1 सेलेक्ट हुआ, ऐसा सेलेक्ट हुआ तो फोर सी वन लिख सकता है क्या बार? गर्ल को ही तो कैप्टन बनाना है तो 1C1 लिखना पड़ेगा ना? यस सर राइट। और अगर ऐसी टीम बनी बता B1 B2 G1 G3 तब क्या करेगा बता? तब 2C1 से मल्टीप्लाई करेगा ना? तो बच्चों यहाँ पे क्या होएगा पता है ना? केसेस लेने पड़ेंगे, केसेस लेने। हाँ यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा? केसेस। बच्चों ये फालतू मेथड हो गया, मतलब जब केसेस लेने हैं तो यहीं पे ले लिए ना, तो यहाँ केसेस क्यों ले लिए? बराबर है क्या बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? सर ऑल फोर बॉयज के भी होंगे इसमें। बेटा एक मिनट वापस पूछो। सर ये लास्ट वाला केस समझ नहीं आया मुझे, एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में भी ऑल फोर बॉयज के नहीं हो सकते इसमें? बेटा वो तो क्वेश्चन में बोलो ना, एटलीस्ट वन गर्ल लेनी है, तो चार लोगों की टीम में अगर एटलीस्ट एक गर्ल आएगी तो बॉयज तो चार कभी नहीं आ सकते ना? चार लोगों की टीम बनानी है तो चारों बॉयज तो नहीं हो सकते ना बेटा उसमें? एक एक लड़की कम से कम होनी चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है ना? हाँ सर दैट आई अंडरस्टूड, वो मैं थर्ड मेथड के मैं पूछ रही हूँ कि आपने ये लाया कैसे? मैंने आठ में से कोई भी चार बच्चों को सिलेक्ट किया, बराबर, कोई भी चार प्लेयर को सिलेक्ट किया राइट? हाँ सर। उन चार प्लेयर्स में से बता ये सिलेक्शन शामिल है कि नहीं, B1 B2 B3 B4? आठ में से चार जो सिलेक्ट किए उनमें से एक सिलेक्शन ये भी है ना मेरा? हाँ सर। जैसे तू खड़ी है इधर और सामने आठ लोगों की टीम खड़ी है। सर आपने गलत लिखा है शायद से। क्या 4C0 लिखा है आपने? 4C4 भी लिख सकते हैं। नो गर्ल, इसमें से वो वाले नंबर सेलेक्ट कर दिए जो नो गर्ल, इसको 8C4 माइनस 4C4 भी लिख सकते हैं, ऑल बॉयज। बता चारों लड़के ले लिए, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कम से कम एक लड़की इस टीम में रह जाएगी नहीं रह जाएगी? एक भी गर्ल, मतलब कोई भी गर्ल नहीं ली, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई भी गर्ल नहीं। अच्छा इस केस को हम लोग दो पार्ट्स में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? नो गर्ल और ऑल बॉयज, यही तो मतलब है इस चारों, इस टीम का मतलब यही तो है बच्चों, थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो। ये जो आठ में से चार लोगों की टीम बनी उसका मतलब यही तो है कि इस टीम में कोई भी गर्ल नहीं है, या फिर इस टीम में चारों बॉयज है, इसको इन दोनों में से किसी एक तरह से बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? से या सुनो। यस सर। क्या हमें ऐसा चाहिए? क्या हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? नो सर। नहीं, हमें क्या करना है, कम से कम एक गर्ल चाहिए, यानी कि चारों बॉयज लेने वाला जो मेथड है वो कितने मेथड है? चार में से चार बॉयज लेने के जितने तरीके हैं उतने ही तो मेथड है, चार ही तो बॉयज है। हाँ सर। यस सर। यस सर। वो भगा दो उसमें से, देखो वो 8C4 माइनस 4C4 वो भगा दो उसमें से, तो कम से कम एक लड़की आ गई नहीं आ गई इसमें बच्चों? सर तो अपने एक प्लेयर को मतलब निकाल दिया ना उसमें से। एक प्लेयर को नहीं, एक टीम, एक स्पेशल टीम जिसमें चारों बॉयज थे उसको निकाल दिया मैंने। यस सर। या फिर एक स्पेशल टीम जिसमें एक भी गर्ल नहीं थी उस टीम को बाहर निकाल दिया, वो टीम मेरे सिलेक्शन में नहीं आएगी, मतलब सर, वो मेरे नंबर ऑफ प्लेस में नहीं आएगी। हाँ बोल बेटा। सर 4C4 ऑल गर्ल्स भी तो हो सकता है ना? नहीं 4C4 ऑल गर्ल, देख अपन ने क्या बात की थी याद कर, कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के तीन तरीके हैं, इसका मतलब नहीं कि हवाई जहाज से जाना है कि दौड़ के जाना है कि चल के जाना है, इसका मतलब ये नहीं है। 4C4 का मतलब चार गर्ल्स भी हो सकती हैं और चार बॉयज भी हो सकते हैं, मुझे मेरा एक्शन क्या है, मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है ये सोच। चारों गर्ल्स ने, चारों बॉयज टीम में ना आ जाए वो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो वो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट्स इट। ये सब्ट्रैक्शन क्या बताता है कि कोई भी गर्ल नहीं आई, वो वाला एक नंबर जो है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, या फिर चारों बॉयज आ गए
वो वाला नंबर है वो मैंने सेपरेट कर दिया उसमें से। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर मैंने 4C4 ये सोचा है कि चारों बॉयज चारों गर्ल्स सेलेक्ट होगी वो आपने सेपरेट कर दिया, तो उसका नंबर एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन में मीनिंग सेम ही रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये भी कह सकती हो कि एटलीस्ट एक बॉय जरूर आना चाहिए, तब भी तो सर ये आंसर आएगा, तो मैं बोलूंगा हाँ तब भी ये आएगा। बिल्कुल सही है, तुम यही कहना चाह रही हो ना? हाँ सर मेरा वही डाउट था। तब भी यही आंसर आएगा, मतलब इसमें बॉय और गर्ल को इंटरचेंज कर देंगे तब भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर वही आएगा, मीनिंग में सेम हो गया ना। अरे बाबा आप क्या करते हो कि एंटिटी को नाम दे रहे हो, बॉयज गर्ल्स की जगह में आप हाथी घोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं अभी, तो चेंज थोड़ी हो जाता क्वेश्चन बेटा। हाँ सर। अरे बाबा आपको एटलीस्ट वन जो लेना है वो इंक्लूजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखना है ना। 8C4 में आपने नंबर ऑफ टीम, आप एक काम करो एक बड़ा पेपर लो उस पर लिखो कि 8 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करने वाले तरीके कितने हैं, राइट? आपने वो तरीके लिख लिए। एक मुनीम नहीं होता, मुनीम जो अपना हिसाब किताब एक डायरी में लिखता है, वैसे एक डायरी बनाकर लिखो, पहला तरीका दूसरा तीसरा चौथा ऐसे तरीके लिख दो, ठीक है? फिर अपना क्वेश्चन पढ़ो वापस, राइट? जब क्वेश्चन पढ़ोगी तो ये तरीका जहां तुमने लिखा है बच्चों इसको तू इरेज करने के बारे में सोचेगी कि नहीं सोचेगी बता? हाँ सर। बस तो वो इरेज कर दिया, सिर्फ एक ही तरीका होगा ना बेटा ऐसा? यस ओनली वन। हाँ, उस एक तरीके को मैं 4C0 यानी कोई भी गर्ल शामिल नहीं हुई, ऐसा ये कोई भी गर्ल शामिल नहीं हुई वो भी सेपरेट कर सकता हूँ मैथमेटिकली, या फिर चारों बॉयज शामिल हुए वो भी तरीका शामिल कर सकता हूँ मैथमेटिकली। मैथमेटिकली सेपरेट जो मैं कर रहा हूँ वो सेपरेट या तो चारों बॉयज वाली टीम को कर रहा हूँ या किसी भी गर्ल वाली नहीं, ये दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना बेटा? यस सर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस अंडरस्टूड। बच्चों एक बात समझो, प्रॉब्लम की सब्जेक्टिविटी पे मत जाओ। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि 4 horses and 4 elephants, उनका एक झुंड है जिसमें से तुम लोग को कम से कम एक एलिफेंट चूज करना है और 4 animals चूज करने हैं, क्वेश्चन तो यही हो गया ना, ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ना, बराबर ना? इस क्वेश्चन में मैं उल्टा करता तब भी आंसर ये आता, टीम ऑफ 4 students इन विच एटलीस्ट 1 boy इज सिलेक्टेड हुज मेड कैप्टन, तो बताओ बच्चों आंसर तो सेम ही होता ना? बताओ यहाँ कौन सा वाला रिजेक्शन आता, G1, G2, G3, G4 वाला रिजेक्शन आ जाता ना? Yes. बच्चों आंसर सेम होता और G1, G2, G3, G4 वाला रिजेक्शन आता था, बच्चों सही है सुनो? Yes, ये समझ में आया तुम लोग को कि समझ में नहीं आया? समझ में आया सर। समझ में आया सर। सर ऐसा क्वेश्चन बेहतर कि वन गर्ल कंपलसरी है, एटलीस्ट वन गर्ल एंड कैप्टन कैन बी एनीवन, अ बॉय और अ गर्ल। वो तो पिछला क्वेश्चन हो गया ना बेटा, वो तो लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब ऐसे तो सर वही कंफर्म करना है। अरे वो तो हम ऐसे नए नए क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है उसकी थॉट प्रोसेस समझ में आई कि नहीं? यस सर। अर्नब इसका एक फोटो डालो, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो बच्चों फटाफट से। सर अगर कॉपी करके हो गया तो हम सब छोड़। हाँ कॉपी करके हो गया तब स्क्रीनशॉट फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कॉपी करके हो गया ना। और जब नोट्स पढ़ के आओगे, याद है ना फर्स्ट डे बोला था पढ़ के आना है, राइट? लेक्चर 2 में लेक्चर 1 पढ़ के आना है, जो समझ में नहीं आएगा उसको रिकॉर्डिंग में देखो चाहे नोट्स में देखो चाहे लिख के समझो, लेकिन समझ के जरूर रहो तो मजा आएगा फिर पढ़ने में। बच्चों इज इट क्लियर? कोर्स एक बार अटेंडेंस ले लेना प्लीज इस टाइम में, ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ कि शुरू में जो मैंने अटेंडेंस लिया उसमें और अभी का डिफरेंस क्या है। हाँ बच्चों इज इट क्लियर? कैन आई इरेज? सर एक डाउट है। हाँ बोल। सर केस 4 पर मतलब वो सॉल्व नहीं करेंगे पर फिर भी जानने के लिए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझा। तुमने ये जो लिखा है, ये जो ब्रैकेट लिखा है, इस ब्रैकेट का मीनिंग बताओ, इस ब्रैकेट में क्या तुमने लिख दिया है? कम से कम एक गर्ल सेलेक्ट हुई। वो गर्ल कैप्टन है, वो गर्ल कैप्टन है, ये बेटा तुम्हें कैसे पता लगा? सर उसको कहां से लिखेगा इसको?
याद है कि यहाँ लिखा है ना कैप्टन बनाया है ना गन को, केसेस लिए ना, वैसे ही केसेस यहाँ लेने पड़ेंगे, लेंगे नहीं हम लोग, करेंगे नहीं वो मेथड, ये मेथड रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग मेथड, सर अगर कॉपी करके हो गया और डाउट्स नहीं होंगे तो लीव कर सकते हैं। अबे रुको ना यार, एक मिनट रुको बस। क्वेश्चन नंबर 2।